मध्य प्रदेश से सतना जिले से रामलोटन वैद्य के नाम से हूँ और मैं अपना गार्ड में पौने 300 प्रजाति की जड़ी बूटी भी लगाया हूँ और सब्जी में जैसे 12 प्रजाति के हमारे पास बैगन भी हैं, लौकी 16 प्रजाति की हैं और जड़ी बूटी तो बीच बीच है, कुछ लतादार है, कोई कंददार है, यानी कंदन में जैसे कि आप औषधि में तेपुर औषधि के बीच में हल्दी आपकी औषधि में है, लहसुन भी औषधि में है, यानी कोई ऐसा पौधा छूटा नहीं है कि बे औषधि का ना हो। जैसे आपके सामने जो नीम का पौधा है, नीम के पौधा के कोई दवा जानता है कि हम इसके पत्ते से दवा निकाल लेंगे, कोई छाल से निकाल रहा है, कोई उसके फल से निकाल रहा है, कुछ को उसके तेल से निकाल रहा है, यानी सब में औषधि है। रही गई जानकारी कि हमको क्या कहीं से बनाना है, क्या देना है, क्या नहीं, तो हमारे जो पूर्व जन्म के जो हमारे रहे जैसे बाबा परपाजा वो जो पीढ़ियाँ चलत रही तो सब जड़ी बूटी का काम करत रहे, वैद्य रहे और वही काम आज जो हमारे आपको बंधवा है तो आज हमारे भी वही बंधवा में हम कमा रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। आज हम यहाँ आपके यहाँ हम दूसरी तरह से आया था यह स्टाइल पर कि यहाँ सबको बीजा की होना था, नहीं मैं आपके जो यहाँ आता या जो अपनी वैदी लेके आता दावा, जैसे मेरे को 3-4 दिन का मौका मिला था तो यहाँ हंगामा मच जाता कि कोई वैद्य आया था और यहाँ कैसे अच्छा करके चला गया। देखिए नमस्ते जी, इसके बारे में आप कुछ वैरायटीज लगे ना वो। हाँ, ये केमाच है, ये केमाच है, ये तो सब्जी भी खा सकते हैं और इसके ये दाने, ये जो काले काले दाने हैं, इसके दाना क्या है, किसी महिला का पानी जाते है, किसी को धात पड़ती है, किसी मतलब कि बीज में कोई कमी है, इसके दाना अगर 21 दिन तक दूध में डाल के पीस के खा जाए यानी वहीं तक ताकत पूरा पा जाएगा। इसको हम लोग कवचुआ भी बोलते हैं। ये दूसरी कमाच है, वो जो खजलाती है वो दूसरी है, ये दूसरी, इसको सब्जी खाओ, सब्जी खाने वाले हैं, सब्जी खाओ इसको। ए पेंगन। और ये जो है तीखुर है, ये जैसे गाय भैंस का दूध होता है ना, और दूध आप अपना पकाते हो इतना से जरा से डाल दो पीस के, उसमें पूरा दूध को काय बना देगा मीठा, वो जम जाएगा, चाकू से काट के चाहे फीस की फीस निकाल दो। ये है तीखुर, ये ताकत की चीज है, शरीर में कोई चीज की कमी होती अगर इसका पाउडर यानी कहाँ का 60 दिन अगर खा जाए तो जैसे हम इसको उठाते हैं तो उठा नहीं पाएंगे, और जब हम इसको उठा लेंगे तो आप जान जाएंगे कि हमारे पास ताकत आए कहाँ से, गए क्या खाए ऐसी। ये बैगन है, ये बैगन, ये गौमुख बैगन है, ये जैसे सींग हो गई, ये उसका मुंह हो गया, इसको खाया नहीं जाता। जैसे आपके जोड़ों में दर्द है, सूजन है, जब सूजन है तो इसको सीधे चीरो, गाय का घी हो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा लगा दो और लगा के इसमें जो रोटी पकाते हो जो तवे होते हैं ना उसमें धर दो, वो गर्म हो जाए, थोड़ा कुनकुनी यहाँ लगा के बांध के एक लत्ता से बांध दो, ये जो देसी दवा है लत्ता से बांध दो और 10 मिनट बैठा और छोड़ दो, छोड़े के बाद पूछो कि अच्छा हीट हो, दर्द कहाँ है, तो खुद बोलेगा हमारा रोगी की अब दर्द तो है, पता नहीं ये क्या हो गया, ये भी वही है कलर ये बच्चे अच्छे वो इतना से। और जो ये है बैगन है, ये जो है सफेद बैगन लंबा मिर्च है ना, ये मान लो कहा कि 2-1.5 किलो का एक होगा, इसमें जैसे सफेद है और ऊपर ग्रीन कलर है यानी ग्रीन कलर का है, यह ऐसे मतलब होगा ने? अब जैसे एक पकड़ा गया ऐसना, वो अपने हाथ में नापा था कि कितना बड़ा है, हमारे यहाँ से लंबा है, हमारे जब गार्ड में गया तो ये देखता था।